जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे पेंटोग्राफ क्या होता है, यानी विद्युत ग्राही क्या होता है। इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जानना जरूरी होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे में इस खंभे को हम लोग बोलते हैं मास्ट, और मास्ट एक मास्ट से दूसरे मास्ट की दूरी को हम लोग बोलते हैं स्पैन। इसकी दूरी लगभग 60 मीटर होती है। ये कर्व एरिया की जगह पर ये लगभग इससे कम जाता है, मतलब 55-56 हो जाता है। 55-56 मीटर की दूरी पर ये होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पैन और इसको बोलते हैं मास्ट। देखे हो कि रेलवे के जो मास्ट होते हैं उस पर कुछ नंबर लिखे हुए रहते हैं, जैसे कि 177/4। ये क्यों लिखा हुआ होता है, तो जब कोई भी लोकोमोटिव ट्रेन अगर बीच जाती है, पटना से कहीं जा रही है, तो अगर बीच में कहीं पे डिफेक्टेड मिला तो वो कहां बताएगा कि मतलब पटना से चला तो बीच में डिफेक्टेड था, तो स्टेशन मास्टर क्या बोलेगा कि एक गांव था उसमें एक डिफेक्टेड था, तो कहां खोलने चलेगा। तो क्या करता है, उसके लिए मास्ट पे कुछ नंबर लिख दिया जाता है। ये लोकोमोटिव का जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, फट से उस बोर्ड को देख लेता है। उस बोर्ड को देखने के बाद फट से स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है कि 177/4 पे एक डिफेक्टेड है। तो वो स्टेशन मास्टर आकर के क्या करता है कि उसको उस डिफेक्ट को उसके आसपास में खोज के उसे ठीक करता है। अब देखिएगा कि दो मास्ट के बीच की दूरी को तो हम लोग स्पैन बोलते हैं, और इसमें एक इस तरह से रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्म बोलते हैं। तो इससे यहाँ से ऊपर वाले वायर को हम लोग बोलते हैं कैटेनरी वायर, और इसके नीचे वाले वायर को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। ये कैटेनरी वायर, ये ऊपर वाले तार को हम लोग कैटेनरी वायर बोलते हैं, और ये नीचे वाले वायर को हम लोग कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं। देखिए कैटेनरी वायर में जो है हम लोग जानते हैं कि उसमें करंट नहीं होता है, और कॉन्टैक्ट वायर में करंट होता है। तो इसके बीच में एक इस तरह से जकड़े इस तरह से किए हुए रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपर। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मास्ट, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं आर्म, और इसमें जो इस तरह से लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं ड्रॉपर। तो ऊपर वाले वायर को हम लोग बोलते हैं कैटेनरी वायर, और नीचे वाले वायर को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। तो कॉन्टैक्ट वायर में है जो करंट रहता है, और कैटेनरी वायर में करंट नहीं रहता है। कॉन्टैक्ट वायर जो है गर्मी के दिनों में फैल जाता है, और ठंडा के दिनों में सिकुड़ जाता है। उसके लिए हम लोग एक ऑटोमेटिक टेंशन लगाते हैं। ऑटोमेटिक टेंशन से हम लोग बैलेंस बनाए हुए रहते हैं कि ट्रेन को अच्छे से संचालित रखने के लिए हमेशा कॉन्टैक्ट वायर को हमें सीधा रखना पड़ता है। तो उसके लिए एक ऑटोमेटिक टेंशन लगाते हैं। देखिए बैलेंस बनाने के लिए कई सारे इसमें पत्थर लटका दिए जाते हैं, जिसमें कि 16 पीस जो है 40 केजी का पत्थर इसमें लटका हुआ रहता है, और उसके बाद 20 केजी का एक पीस होता है, और 5 केजी का एक होता है, और टोटल जो है ऑटो टेंशन 667 केजी, जो कि हम लोग को टोटल हुआ 665। तो इसमें मैं 2 केजी और बढ़ना है, उसमें लगा हुआ रहता है एक पत्तल, लोहे का एक पत्तल होता है जो 2 केजी का होता है, इसमें प्लस 2 केजी हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 667 केजी। जो है 18 पत्थर लगाए जाते हैं इसको ऑटो टेंशन को मेंटेन करने के लिए। ये अगर किसी भी गर्मी या बरसात में कोई दिक्कत नहीं होगा कि ऑटो उसका कॉन्टैक्ट वायर है, मेंटेन करने वालों को हम लोग पेंटोग्राफ बोलते हैं। ये पेंटोग्राफ हुआ जेड शेप का। देखिए पटरियां हमेशा ऊंचा नीचा होता है, तो उसके लिए क्या होता है, हमेशा तार को ढकेले हुए रहता है। पेंटोग्राफ जो है हमेशा तार को ढकेले हुए रहता है, कॉन्टैक्ट वायर को हमेशा ढकेले हुए रहता है। ये क्यों, किस चीज से ढकेले हुए रहता है, तो यहाँ पे प्रेशर वैसे लगा हुआ रहता है, यहाँ से ये इसको हमेशा ढकेले हुए रहता है। ये प्रेशर जो हमेशा इसलिए ढकेले हुए रहता है, जो कॉन्टैक्ट वायर कभी यहाँ से अगर पटना जाना है तो कहीं ना ऊपर नीचे रहता है ट्रेन का पटरी, तो कहीं ना कहीं इसको छोड़ न दे, उसके लिए यहाँ से क्या करता है, एक प्रेशर से इसको ढकेले हुए रहता है, और वहां से ऑटोमेंशन एक जो वायर है कॉन्टैक्ट वायर के थ्रू जो 18 व्हील जो उसमें कनेक्ट किए हुए रहता था, 18 व्हील उसको बैलेंस बनाया हुआ रहता है, और यहाँ से ये प्रेशर के थ्रू ढकेले हुए रहता है हमेशा, और ये जहाँ जाना रहता है ऊंचा नीचे हमेशा पटरियां रहती है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको प्रेशर लगा दिया जाता है कि हमेशा वो ऊपर ढकेले हुए रहे। एयर प्रेशर के द्वारा हम पेंटोग्राफ को ऊपर या नीचे करते हैं ताकि जहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ जाए तो ढकेल वायर कॉन्टैक्ट वायर को हम ढकेल सकते हैं और नीचे कर। हम लोग जानेंगे पेंटोग्राफ जो है घिसता क्यों नहीं, पेंटोग्राफ क्यों नहीं घिसता। तो हम देखिए कॉन्टैक्ट है वो कॉपर का बना हुआ रहता है, और पेंटोग्राफ का जो ये ऊपर वाला भाग होता है ये नरम लोहा का बना हुआ रहता है, जो कि ये कॉपर से बहुत ही कमजोर होता है। और एक बात और, जो कॉपर का कॉन्टैक्ट वायर है वो हमेशा तिरछा जाता है, ताकि इसलिए कि ये जो इसमें जो है इसमें एक जगह पे ना रहे बल्कि हर जगह पे रगड़ाते रहे। तो चलिए देखिए वीडियो के माध्यम से देखिए कैसे तिरछा होता है। देखिए ये जो पेंटोग्राफ होता है ये नरम लोहा का बना हुआ रहता है, और ये जो कॉन्टैक्ट वायर है ये नीचे वाला कॉन्टैक्ट वायर है ये हमेशा तिरछा होता है, इस तरह से हर जगह या कभी यहाँ
कभी यहाँ रगड़ा रहा है कभी यहाँ रगड़ा रहा है, तो ये क्या करता है, ये एक जगह पे नहीं रगड़ाने से ये हर जगह अलग अलग पे कॉन्टेक्ट वायर हमेशा तिरछा हो रहा है, देखिए। और इसको हमेशा इसको चेंज कर दिया जाता है, ये अगर रगड़ाने का, ये जो है बहुत मजबूत होता है जो कि कॉपर का होता है कॉन्टेक्ट वायर, और ये जो है इसकी तुलना में बहुत कमजोर होता है जो कि इसको हम लोग बार बार चेंज करना पड़ता है तकरीबन, ये जो इसको बार बार चेंज करना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, और इसका ये कॉस्टली नहीं है इसलिए कि इसको बार बार निकाल के हम चेंज कर सकते हैं, ये तैयार है। अब हम लोग जानते हैं कि एक एक इंजन में दो पेंटोग्राफ लगे हुए रहते हैं, एक आगे में एक और पीछे में, तो अब हम लोग जानेंगे कि अगर आगे जाना है तो हम लोग किस पेंटोग्राफ को उठाना है ऊपर कॉन्टेक्ट वायर से करंट लाने के लिए। तो हम इससे अब देखिए, अगर हम लोग अगला आगे की ओर जाना है और अगला पेंटोग्राफ को उठाते हैं इस कॉन्टेक्ट वायर से, तो क्या होगा, हम लोग को क्या आगे इस तरह से देखने में लग रहा है कि हम लोग धक्का दे रहे हैं, तो अगर कोई किस चीज को भी हम लोग धक्का देंगे तो क्या उसका प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा ना, तो इसलिए अगर हमको आगे जाना है तो इस पीछे वाले पेंटोग्राफ को उठाना है, और पीछे जाना है तो आगे वाला पेंटोग्राफ को उठाना है, ताकि लोड कम